इस दुनिया में वही सबसे धनी व्यक्ति है जो जीवन में संतुष्ट है। जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है का मंत्र जिसने भी अपनी जिंदगी में अपनाया है उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के पास होने के बावजूद वो जीवन भर असंतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण के मुताबिक इन चीज़ों से ऐसे व्यक्ति का मन कभी नहीं भरता। इन्हें पाने की लालसा में व्यक्ति मोह में फंस जाता है जिससे कई बार उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है। आइए जानते हैं कि आगे किन किन बातों का उल्लेख किया गया है जिसके लिए मनुष्य जीवन भर लालायित रहता है। श्री कृष्ण अपने उपदेश में कहते हैं कि व्यक्ति के पास जितना पैसा होता है वो हमेशा उसे कमतर ही आंकता है। धन एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान कभी संतुष्ट नहीं रहता। पैसा कमाने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है, पाई पाई जोड़ता है, इन्हीं पैसों से वो अपनी इच्छाएं भी पूरी करता है। बावजूद इसके उसे पैसों की लालसा बनी रहती है। ऐसे में वो धन कमाने के लिए कई बार गलत रास्ते भी अपना लेता है जो उसे बर्बाद कर देता है। श्री कृष्ण के मुताबिक व्यक्ति स्त्री सुख और भोजन से जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। इंसान की ये शारीरिक जरूरतें पूरी तो हो जाती हैं लेकिन फिर भी ये दोनों उसके लिए पर्याप्त नहीं होती। इनकी अधिक चाहत में इंसान परेशानियों से घिर जाता है और खुद का नाश कर बैठता है।